हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर वर विगार साइंस क्लासेस। लास्ट वीडियो में हम लोग फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स और इफेक्ट्स ऑफ फोर्स के बारे में डिस्कस किए थे। व्हाट इज फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स एंड इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स क्या है, कौन कौन से टाइप है और फोर्स के हमारे डेली लाइफ में क्या इफेक्ट्स हैं। अब हम लोग आज डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। गैलीलियो के द्वारा दिए गए ऑब्जर्वेशन और उसके द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट से न्यूटन ने मोशन के लॉ को डिराइव किया और इसने इससे रिलेटेड थ्री लॉज दिए। न्यूटन्स गेव थ्री लॉज ऑफ मोशन एंड दैट आर नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जाना जाता है। लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया दैट मीन्स द इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अपोजेस द काउज द फोर्स विच ट्राई टू एनी टाइप ऑफ चेंज विच ट्राई टू ब्रिंग एनी टाइप ऑफ चेंज इन द ऑब्जेक्ट इज नोन एज इनर्शिया। किसी भी ऑब्जेक्ट की वह प्रॉपर्टी जो ऑब्जेक्ट में होने वाले किसी भी प्रकार के चेंज का अपोज करता है उसे इनर्शिया कहते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जाना जाता है। तो क्या है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? न्यूटन ने कहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, या मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन और विद द सेम डायरेक्शन कंटिन्यू रहना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट देन इट रिमेन्स टू बी इन रेस्ट, और इफ इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन देन रिमेन्स इज इन यूनिफॉर्म मोशन इन द सेम डायरेक्शन अंटिल एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो चलिए आइए देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन इन्वेस्टिगेटेड फर्दर द आइडियाज पुट फोर्थ बाय गैलीलियो रिगार्डिंग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। न्यूटन ने गैलीलियो के द्वारा गया ऑब्जेक्ट के मोशन से संबंधित जो उसके आइडियाज थे, जो उसके थ्योरी थे, उसके जो विचार थे, उसको इसने फिर से कैलकुलेट किया, फिर से उस पर विचार किया और फाइनली फॉर्मुलेटेड थ्री फंडामेंटल लॉज, और इसने तीन नियम दिए दैट गवर्न द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को इंस्ट्रक्ट करता था कि कैसे रियली किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन होता है। और उसी थ्री लॉज को, दिस थ्री लॉज आर नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले वी विल फर्स्ट डिस्क्राइब द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ए बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट, ए बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन अनलेस सम एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स is applied on the body to change that state। कोई भी body यदि rest में है तो वो rest में ही रहना चाहेगा,
या यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहेगा, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं लाता है। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने अंदर होने वाले किसी भी प्रकार के चेंजेस के कारणों का विरोध करता है, अपोज करता है। द लॉ कंसिस्ट थ्री पार्ट्स, इसको हम फैक्टराइज कर दिए, इस लॉ को और बेहतर ढंग से समझने के लिए इसके हम पार्ट कर दिए। द लॉ कंसिस्ट थ्री पार्ट्स। फर्स्ट, ए बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट, यदि रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा अंटिल सम एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी टू मूव इट, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस बॉडी को मूव नहीं करता है वह बॉडी कंटिन्यू रेस्ट में रहेगा। बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यूज टू मूव यूनिफॉर्मली, यदि एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वह यूनिफॉर्मली मूव करता रहता है अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू चेंज इट्स स्पीड, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके स्पीड में किसी प्रकार का चेंज नहीं लाता है। एक्सटर्नल फोर्स, अगर कोई कार मूव कर रहा है विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड तो इसका स्पीड चेंज किया जा सकता है, कैसे, या तो डी एक्सीलरेट कर उसके एक्सीलरेटर को कम कर दिया जाए, या एक्सीलरेट करके उसके एक्सीलरेटर को बढ़ा दिया जाए, तो दोनों कंडीशन से उसके स्पीड में चेंजेस लाया जा सकता है। या कोई राइडर जो है साइकिल चला रहा है वो पेडल मारना छोड़ दे तो धीरे धीरे क्या होगा, साइकिल की स्पीड कम होती जाएगी, या वो रैपिडली पैंडल चलाना शुरू कर दे तो जो स्पीड ऑफ साइकिल है वो बढ़ जाती है। थर्ड, ए बॉडी मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विल कंटिन्यू टू मूव अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, यदि कोई स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो वो कंटिन्यू स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है तब तक ना तो स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज होगा, ना स्पीड ऑफ मोशन चेंज होगा और ना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा। तो फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इनर्शिया है क्या, व्हाट इज इनर्शिया। द प्रॉपर्टीज ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट रजिस्ट्स ए चेंज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज नोन एज इनर्शिया। किसी भी ऑब्जेक्ट की वह प्रॉपर्टी जो ऑब्जेक्ट में होने वाले चेंज का अपोज करता है, यदि रेस्ट में है तो मोशन में लाने वाले कॉज का अपोज करेगा, यदि यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसके स्पीड में लाने वाले चेंज या डायरेक्शन को चेंज करने वाले प्रभाव का अपोज करता है। उस इन्फ्लुएंस का, उस कॉज का अपोज करना जो किसी ऑब्जेक्ट में किसी भी प्रकार का चेंज लाने का प्रयास करता है उस प्रॉपर्टीज को इनर्शिया कहते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट रजिस्ट ए चेंज इन स्टेट और रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज नोन एज इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। मास इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ योर बॉडी, दैट मीन्स मास डिटरमाइन द इनर्शिया ऑफ बॉडी। इनर्शिया ग्रेटर होगा या लेसर होगा ये डिपेंड करता है बॉडी के मास पे। हैवियर द मास ग्रेटर द इनर्शिया, लाइटर द बॉडी लोअर द इनर्शिया। जितना हैवी मास होगा उसका इनर्शिया उतना ग्रेटर होगा, जितना लाइटर ऑब्जेक्ट होगा हल्का होगा उसका इनर्शिया का वैल्यू भी उतना ही कम होगा।
हैवियर ऑब्जेक्ट्स हैव मोर इनर्शिया देन लाइटर ऑब्जेक्ट्स। हैवी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया लाइटर ऑब्जेक्ट से अधिक होता है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जो प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में लाने वाले चेंज के प्रभाव का अपोज करता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जो स्पीड ऑफ मोशन में चेंज लाने का प्रयास करता है उसका अपोज करता है उसे इनर्शिया ऑफ मोशन, और जो डायरेक्शन ऑफ मोशन में लाने वाले चेंज के प्रभाव का काउज का अपोज करता है उसे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट इज नोन एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ, किसी भी बॉडी के स्टेट ऑफ रेस्ट में लाने वाले चेंजेस के प्रभाव का विरोध करना इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहलाता है। इसे हम डेली लाइफ में होने वाले प्रैक्टिकल इवेंट्स से देखेंगे कि किस तरह से हम इसको फील करते हैं, कहाँ हम देख सकते हैं कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट अप्लाई किस केस में होता है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, एप्लीकेशंस हैं। तो फर्स्ट है, व्हेन ए बस और ट्रेन स्टार्ट सडनली द पर्सन सिटिंग इनसाइड tends to fall backwards because lower part of his body starts moving with the train or bus, but the upper part of the body tries to remain at rest due to inertia of rest। चलती हुई अगर हम बस में या ट्रेन में बैठे हैं, अचानक से ट्रेन स्टार्ट्स होता है, मूव करना शुरू करता है, तो हम अचानक से झटके से क्या होते हैं, पीछे की ओर झुक जाते हैं। Because the lower part of body comes in motion with bus or train, bus or train के साथ जो lower part है वो motion में आ जाता है, but upper part of body remains at rest, upper portion of body जो है वो rest में ही रहता है, जिसके कारण lower part आगे move कर जाता है, upper part वही रह जाता है और हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो that is due to inertia of rest। Second application, when we shake vigorously a branch of a mango tree, जब हम किसी mango tree के ब्रांच को तेजी से कसकर हिलाते हैं, the mangoes fall down because on shaking, क्योंकि हिलाने से the branch comes in motion, ब्रांच तो मोशन में आ जाता है, and the mangoes tend to remain at rest, लेकिन आम जो है वो रेस्ट में ही रहता है, जो उसका फल है वो रेस्ट में ही होता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। देयरफॉर द मैंगोस गेट डिटैच्ड एंड फॉल, और इस प्रकार से जो है मैंगो टूट कर अलग होकर नीचे गिर जाता है, क्योंकि हम जब ब्रांच को शेक करते हैं, हिलाते हैं, तो ब्रांच मोशन में आता है, उसमें लगे जो मैंगोस फ्रूट है वो रेस्ट में ही रहता है, जिसके कारण क्या होता है, मैंगोस फ्रूट जो है वो ब्रांच से डिटैच्ड होकर नीचे गिर जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल, वी टेक ए ग्लास टम्बलर एंड प्लेस ए थिक स्क्वायर कार्ड ऑन इट्स माउथ। एक ग्लास टम्बलर लेंगे, उसके ऊपर थिक स्क्वायर कार्ड, स्क्वायर कार्ड दैट मींस इस तरह का, ये जो आप देख रहे हैं कॉपी का ये कवर, इस कवर को हम स्क्वायर में कट करके ग्लास के ऊपर कटिंग कर ग्लास के ऊपर रख देंगे, और इसके बीचों बीच एक कॉइन रख देंगे, सिक्का रख देंगे। अब कहता है उस स्क्वायर कार्ड को फ्लिप कीजिए इस तरह से, या इसे झटके से उसको मूव कीजिए, कैरम बोर्ड की तरह, स्ट्राइकर की तरह उसको हिट कीजिए या उसको झटके से मूव कीजिए। नाउ फ्लिक द कार्ड हार्ड विथ आवर फिंगर्स, हार्ड विथ आवर फिंगर्स, ऑन फ्लिकिंग द कार्ड मूव्स अवे। फ्लिक करने के बाद कार्ड तो मूव हो जाएगा, दूर चला जाएगा, बट द कॉइन ड्रॉप्स इनटू द ग्लास टम्बलर,
लेकिन कॉइन जो है सिक्के जो है वो ग्लास में गिर जाएगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि हमारे फ्लिक करने से कार्ड मोशन में आ जाता है, लेकिन कॉइन जो है उस पर जो रखा सिक्का है वो रेस्ट में ही रहता है और रेस्ट में ही रहना चाहता है, जिसके कारण कार्ड के मूव करने पर भी सिक्का वहीं रह जाता है और वो ग्लास में गिर जाता है। तो ये सारे जो एप्लीकेशंस थे इनर्सिया ऑफ रेस्ट के, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के भी हैं और उसमें इनर्सिया ऑफ रेस्ट। तो सेकेंड टाइप्स ऑफ इनर्सिया है इनर्सिया ऑफ मोशन। व्हाट इज इनर्सिया ऑफ मोशन? तो इनर्सिया ऑफ रेस्ट में हम लोग देखे थे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का वह प्रॉपर्टी जो उसके स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज लाने का प्रयास करता है या चेंज लाता है उसका अपोज करता है। तो इनर्सिया ऑफ मोशन में क्या देखेंगे, जो मोशन में चेंज लाता है या चेंज लाने का प्रयास करता है उसका उसका अपोज करने का जो प्रॉपर्टी होता है उस प्रॉपर्टीज को इनर्सिया ऑफ मोशन कहते हैं। द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज बाई इट्सेल्फ, द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज बाई इट्सेल्फ इट्स स्टेट ऑफ मोशन। ऑब्जेक्ट का वह प्रॉपर्टी जो ऑब्जेक्ट के मोशन में किसी भी प्रकार का चेंज लाने का प्रयास करता है उसका उसका उस प्रभाव का जो अपोज करता है उस प्रॉपर्टी को इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं। यानी एक मूविंग ऑब्जेक्ट यदि है वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है तो उस यूनिफॉर्म मोशन के स्पीड में लाने वाले किसी भी प्रकार के चेंज का यह अपोज करता है। एग्जांपल देखेंगे, व्हेन ए बस और ट्रेन स्टॉप सडनली a person in sitting inside tends to fall forwards because lower part of his body comes to rest with the bus or train but upper part of his body tends to continue its motion due to inertia of motion। एक moving train या moving bus में सफर करता हुआ person यदि ड्राइवर अचानक से ब्रेक अप्लाई करता है तो ऑन अप्लाइंग द ब्रेक्स बाय द ड्राइवर द बस और ट्रेन सडनली स्टॉप्स एंड ड्यू टू विच द पर्सन सिटिंग इनसाइड द बस टेंड्स टू फॉल फॉरवर्ड्स। नहीं, अचानक से ब्रेक लगता है, गाड़ी अचानक से रुकती है, अंदर बैठा पर्सन जो है आगे की ओर झुक जाता है। रीजन, जैसे ही बस स्टॉप हुआ, ट्रेन स्टॉप हुआ तो जो लोअर पार्ट है जो बस के कांटेक्ट में है वो बस के साथ साथ रेस्ट में आ जाता है, लेकिन जो अपर पार्ट जो मोशन में था वो यूनिफॉर्मली मोशन में ही रहना चाहता है, रेस्ट में आने का अपोज करता है, जिसके कारण जो लोअर पार्ट है बस के साथ रेस्ट में आ जाता है, अपर पार्ट मोशन में रह जाता है, जिसके कारण ये आगे की ओर बेंड हो जाता है, झुक जाता है। कई कभी कभी क्या होता है बहुत तेज सीरियस चोटें भी आती है। तो दिस इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। नेक्स्ट एग्जांपल, ए पर्सन जंपिंग आउट ऑफ ए स्पीडिंग ट्रेन, एक चलती हुई तेज ट्रेन से या चलती हुई तेज बस से अचानक से कोई व्यक्ति जंप लगा देता है बाहर की ओर, मे फॉल फॉरवर्ड, तो मुंह के बल गिर जाता है, बिकॉज ऑन जंपिंग हिज फीट कम्स टू रेस्ट एज दे टच द ग्राउंड, क्योंकि जंप लगाते ही जंपिंग व्यक्ति का जो पर्सन जंपिंग व्यक्ति का जो पैर है ग्राउंड के कांटेक्ट में आते ही पैर रेस्ट में आ जाता है, लेकिन अपर पार्ट ऑफ बॉडी जो है वो मोशन में रहता है तो पैर तो स्टॉप हो जाता है, रेस्ट में आ जाता है
अपर पार्ट जो है, अपर पोर्शन ऑफ बॉडी, वो मोशन में रहने के कारण आगे की ओर बैंड कर जाता है। एंड इट इज एडवाइज्ड, और ऐसा सलाह दिया जाता है, जंपिंग आउट फ्रॉम ए मूविंग ट्रेन और मूविंग बस, रन फॉरवर्ड, शुड रन फॉरवर्ड, आगे की ओर दौड़ना चाहिए। क्यों? इससे उसका जो इनर्सिया ऑफ मोशन का जो प्रॉपर्टी है वो धीरे धीरे बैलेंस हो जाए। यानी जब हम रनिंग करते हैं तो धीरे धीरे जो हमारा पैर है और जो शरीर है वो एक साथ एक स्टेट में आ जाता है, स्टेट ऑफ मोशन से धीरे धीरे स्टेट ऑफ रेस्ट में आता है। तो कहता है, पर्सन जंपिंग आउट ऑफ ए स्पीडिंग ट्रेन मे फॉल फॉरवर्ड बिकॉज ऑन जंपिंग हिज फीट कम्स टू रेस्ट एज दे टच द ग्राउंड, बट हिज रिमेनिंग बॉडी कंटिन्यूज टू मूव फॉरवर्ड ड्यू टू इनर्सिया ऑफ मोशन। नेक्स्ट है इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन, द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज बाई इट्सेल्फ, द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज बाई इट्सेल्फ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। जिस तरह से इनर्सिया ऑफ मोशन, इनर्सिया ऑफ रेस्ट देखे, उसी तरह से इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन होता है। कई बार क्या होता है कि हम लोग कार में, बस में तेजी से मूव कर रहे हुए बस में सफ़र करते हैं, अचानक से कर्व रोड पर जहाँ कर घुमावदार सड़कें होती है वहाँ पर कई बार बस अगर तेज़ी से टर्न लेता है तो व्यक्ति ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ मोशन में वो मूव कर जाता है। नहीं, यानी हम इससे बैठे हुए हैं, बस इस तरह से टर्न लेती है तो हम लोग इस तरह से एक साइड में झुक जाते हैं। तो कारण क्या होता है कि बस ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, लेकिन हम लोग जो अंदर बैठे हैं वो आगे की ओर ही मूव करना चाहते हैं, लेकिन बस के डायरेक्शन चेंज करने के कारण हमारा डायरेक्शन जो लोअर पोर्शन है वो चेंज हो जाता है और अपर बॉडी जो है आगे की ओर हल्का सा बैंड कर जाता है। कई बार हम टकरा भी जाते हैं और हमें चोटें भी आती हैं। तो ये है इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए कार राउंड्स ए कर्व सडनली ए पर्सन सिटिंग इनसाइड इज थ्रोन आउटवर्ड्स। एक कार जो है किसी कर्व पर जब वह राउंड करता है, घूमता है अचानक से, तो अंदर बैठा जो व्यक्ति है वो आगे की ओर फेंका जाता है। क्या होता है? आगे की ओर फेंका जाता है। दिस इज बिकॉज द कार टर्न्स। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कार तो मुड़ जाता है लेकिन अंदर बैठा जो व्यक्ति है, द पर्सन ट्राइज टू मेंटेन हिज ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ मोशन ड्यू टू इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन। अंदर बैठा व्यक्ति जो है वो जिस डायरेक्शन में पहले जा रहा था उसी डायरेक्शन में वो मूव करना चाहता है, लेकिन कार के अचानक से टर्न लेने पर उसे भी अचानक से टर्न लेना पड़ता है, जिसके लिए वो प्रिपेयर नहीं होता और वो आगे की ओर फेंका जाता है। सेकेंड, व्हेन ए व्हीकल पासेस थ्रू मड, जब कोई व्हीकल, जब कोई गाड़ी कीचड़ से निकलती है, कीचड़ से पास होती है, द रोटेटिंग व्हील्स ऑफ द व्हीकल्स थ्रू आउट मड टेंजेंशियली। देखते हैं कि व्हील तेजी से रोटेट करता है और कीचड़ जो है पीछे की ओर फेंकता है। नहीं, एक ही जगह व्हील रोटेट करता है और कीचड़ आगे फेंकते जाता है। ड्यू टू इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन, द मड गार्ड्स ओवर द व्हील्स स्टॉप दिस मड। जो गार्ड लगा हुआ होता है व्हील के आगे, वो उस मड को रोकना चाहता है। मड प्रोटेक्टिंग द क्लॉथ्स ऑफ द ड्राइवर, ड्राइवर के कपड़े को गंदा होने से बचाने के लिए, ऑफ द व्हीकल, और वो मड को जो है दूर फेंकता है ताकि जो उस पर बैठा व्यक्ति है वो गंदे नहीं हो, उसके कपड़े खराब नहीं हो। ध्यान देना है, जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ये क्या डिफाइन करता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स, एक फोर्स का सटीक डेफिनेशन देता है कि फोर्स कोई चीज, कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इट इज अ कॉज, इट इज एन इन्फ्लुएंस। फोर्स जो है यह एक कारण है, एक प्रभाव है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी बॉडी के स्टेट को चेंज करता है या चेंज करने का प्रयास करता है, उसे फोर्स कहते हैं। यह डेफिनेशन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से।
फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बाद हम लोग देखेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। उससे पहले हम टर्म डिस्कस करेंगे मोमेंटम। यहाँ पर बात करेंगे लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट। लीनियर मोमेंटम क्या है इसको समझने के लिए सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि जब कोई फास्ट मूविंग टेनिस बॉल किसी प्लेयर को हिट करता है, ए फास्ट मूविंग टेनिस बॉल हिट्स अ प्लेयर डज नॉट हर्ट मच, उससे ज़्यादा कोई चोट नहीं लगता, दर्द नहीं होता। लेकिन वहीं अगर एक सेम स्पीड से मूविंग क्रिकेट बॉल किसी प्लेयर को हिट करता है तो उससे जो डैमेज होता है, जो उससे पेन होता है, वो कहीं अधिक होता है। या कह सकते हैं एक हैवी ट्रक 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है, मे किल अ पर्सन बाय हिटिंग, तो वह किसी व्यक्ति को एक्सीडेंट कर जान ले सकता है। 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करता हुआ एक ट्रक किसी व्यक्ति की जान ले सकता है, जबकि एक बहुत ही स्लो स्पीड है। और एग्जांपल लेते हैं, एक लाइट ऑब्जेक्ट बुलेट 50 ग्राम 100 ग्राम का एक बुलेट किसी व्यक्ति की जान ले सकता है, बिकॉज इट इज मूविंग विद अ हाई स्पीड। तो इन सब एग्जांपल से क्या आप नोट करते हैं, हम क्या गेस कर सकते हैं? एक टेनिस बॉल किसी को हिट किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। वही एक क्रिकेट बॉल सेम स्पीड से अगर किसी को हिट किया, या एक पत्थर से, एक स्टोन से किसी को हिट किए, तो उसको डैमेज ज़्यादा होता है, चोटें अधिक आती हैं। एक ट्रक से व्यक्ति मर भी सकता है जो मात्र बहुत ही स्लो स्पीड से चल रहा है। एक बुलेट जो बहुत ही लाइट ऑब्जेक्ट है, बहुत ही हल्की ऑब्जेक्ट है, उससे किसी की जान जा सकती है। तो ये जो इम्पैक्ट है, ये जो प्रभाव है, ये क्या दिखा रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन का जो इम्पैक्ट है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। द इम्पैक्ट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन टू टर्म्स दैट आर मास एंड वेलोसिटी। उस ऑब्जेक्ट का मास एंड उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी। अगर हैवी मास है तो उसका इम्पैक्ट ग्रेटर होगा, या वेलोसिटी ग्रेटर है तो भी इम्पैक्ट ग्रेटर होगा। यानी मास अधिक है, हैवी ज़्यादा है, भारी ऑब्जेक्ट है, तो भी उसका इम्पैक्ट अधिक होगा। यदि वेलोसिटी हाई है, हाई वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, तो भी मोशन का इम्पैक्ट जो है, मोशन का प्रभाव जो है, वो अधिक होगा। तो इसी प्रभाव को समझने के लिए हम क्लियर करेंगे मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि लीनियर मोमेंटम है क्या। व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी, द प्रोडक्ट ऑफ mass of the body and velocity of the body, the product of mass of the body and velocity of the body is known as linear momentum of that body. किसी भी body के mass और उसके velocity का जो product है उस object का momentum कहलाता है। The product of mass and velocity is known as momentum. लीनियर मोमेंटम इक्वल टू होता है मास ऑफ बॉडी इनटू वेलोसिटी ऑफ बॉडी, पी इक्वल टू एम वी। पी क्या है? पी इज लीनियर मोमेंटम एंड एम इज मास, वी इज वेलोसिटी, देन पी इक्वल टू एम इनटू वी, मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। वी ऑब्जर्व दैट इम्पैक्ट ऑफ मोशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्ट्स डिपेंड्स ऑन दियर मास एंड वेलोसिटी। इससे हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन का जो प्रभाव है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन का जो इन्फ्लुएंस है, वो उसके मास और उसके वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। SI यूनिट, चूंकि P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, तो मास का यूनिट kg,
वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, तो मोमेंटम का यूनिट क्या होगा, केजी मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड या केजी मीटर सेकेंड इनवर्स, केजी मीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये था मोमेंटम। इसको इसलिए चूंकि अब जो हम जिस लॉ को पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, उसमें ये टर्म यूज होगा मोमेंटम, इसलिए मोमेंटम क्या है इसे समझना बहुत जरूरी है। मोमेंटम जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के प्रभाव उसके किस पर डिपेंड करता है, मोमेंटम पर डिपेंड करता है। मोमेंटम किस पर डिपेंड करता है, उसके मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। नाउ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अब हम लोग डिस्कस करेंगे, बात करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन ने क्या कहा था, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बाद उसने मोशन से रिलेटेड उसके मन में क्या आइडियाज आए, उसने किस तरह के लॉ प्रपोज किए, फॉर्मुलेट किया, वो हम लोग देखेंगे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड दिस चेंज टेक्स प्लेस ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो उसके अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मींस ग्रेटर द अप्लाइड फोर्स, बिगर द अप्लाइड फोर्स, देन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फास्टर। अगर फोर्स स्ट्रांग होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो फास्ट होगा, या इसका वाइस वर्सा कर देंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यदि फास्टर है तो फोर्स जो होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम बाय टाइम टेकन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जो फोर्स है ये डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम को इंडिकेट करता है। जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाइड फोर्स है वो चेंज इन लीनियर मोमेंटम और टाइम टेकन के रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या चेंज इन लीनियर मोमेंटम जो है वो अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, चेंज इन लीनियर मोमेंटम बाय टाइम टेकन प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। अब नाउ वी विल सी द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को मैथमेटिकली किस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर सपोज m जो है मास ऑफ ए बॉडी, u इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, f एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉन्स्टेंट, t इज टाइम टेकन फॉर विच द फोर्स इज अप्लाइड। टी क्या है, टाइम फॉर विच द फोर्स इज अप्लाइड, जितने दूर जितने टाइम तक जितने समय तक फोर्स अप्लाई होगा उस समय को यहाँ पर टी नोट करते हैं। वी जो है फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर टी सेकेंड, इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी पी वन, और पी वन इक्वल टू एम यू यानी मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम पी वन और इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल लीनियर मोमेंटम पी टू, फाइनल लीनियर मोमेंटम पी टू एंड पी टू इक्वल टू मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, चेंज इन लीनियर मोमेंटम डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम दैट मीन्स फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम पी टू माइनस पी वन,
दैट मीन्स पी टू का वैल्यू एम वी, पी वन का वैल्यू एम यू, तो एम वी माइनस एम यू। इसमें m क्या है, कॉमन है, तो m कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा, v माइनस यू, m इंटू वी माइनस यू। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम बाय टाइम टेकन, दैट मीन्स चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या था, m इंटू वी माइनस यू बाय टी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम बाय टाइम टेकन। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम यहां से लेंगे m इंटू वी माइनस यू बाय टी, तो f प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए, चूंकि v माइनस यू बाय टी, v माइनस यू बाय टी इक्वल टू ए, एक्सेलरेशन होता है। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इज एक्सीलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। तो वी माइनस यू बाई टी को हम ए पुट करेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, फोर्स प्रोपोर्शनल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, फोर्स प्रोपोर्शनल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए, ये जो आप देख रहे हैं प्रोपोर्शनलिटी साइन इसे कहते हैं, इस साइन को हटाने के लिए हमें कॉन्स्टेंट टर्म लेना पड़ता है। तो देखिए ये एफ इक्वल टू के इंटू एम ए, यहाँ के जो है इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और यहाँ पर हम के का वैल्यू यूनिट यानी वन लेते हैं। अलग अलग केस में कांस्टेंट टर्म का वैल्यू डिफरेंट होता है, सभी जगह हम वन नहीं ले सकते हैं। जैसे ग्रेविटेशन के केस में हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू अलग लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के रिलेशन में रो यानी रेजिस्टिविटी का वैल्यू अलग लेते हैं। तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी है इसको हटाने के लिए हमको एक कांस्टेंट टर्म लेना पड़ता है, और अलग अलग कंडीशन में ये वैल्यू अलग होते हैं। तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, इससे हमें एक फोर्स का नया डेफिनेशन मिला। क्या मिला, कि द फोर्स ऑफ ए बॉडी या द फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द बॉडी is equal to the product of its mass and acceleration. The force is exerted by a moving body is equal to the mass and equal to the product of mass and its acceleration. उसके mass और acceleration के product के equal जो होता है force होता है F equal to m into a. तो ये था हमारा second law of motion. अब हम लोग देखेंगे इसके applications, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।